हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बोल गाइस, वो भी व्लॉग में गालियां पड़ी तब जाके लेके आए वो करना कर गाइस। जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है अपना संडे का दिन और आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये पंखा जो हमने मंगवाया है मेरे रूम के लिए। आज हम ये इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा आज शायद मैं अपने रूम की शिफ्टिंग उधर कर लूँगा और उधर साइड जो बालकनी वाला है उधर अखबार वगैरह भी न्यूज़पेपर वगैरह भी लगाने हैं, क्योंकि फिर रात को और दिन में फिर आर पार दिख जाता। कई बार दिन में तो मेरे को मालूम नहीं कैसे दिख जाता, रात को तो फिर लाइट ऑन करते हैं तो शीशे के आर पार दिखता, तो मेरे को नहीं इतना चाहिए बगचौरी चाहिए। मैं फिर वो लगा दूँगा उधर। हेमंत अभी कपड़े धो रहा है, वो आएगा तो फिर ये इंस्टॉल करने बैठेंगे। आर्यन से हमने ये मंगवा ली थी उसकी टूल किट, अभी उसको आने दो, फिर वो ये पंखा भी पकड़ाएगा, वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा, मैं इंस्टॉल करूँगा। क्योंकि इंस्टॉलेशन के यहाँ अपने चार्जेस महंगे हैं और अभी मंथ एंड चल रहा है तो हमारे पास इतने है भी नहीं, तो खुद ही इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि पिछली बार भी मैंने खुद इंस्टॉल करा था तो एक तो वो पंखा ही ख़राब था तो इसलिए नहीं चला वो, अब नया मंगवाया है तो फिर ये चलाएंगे इस बार। गाइस पंखा उतर चुका है और नया पंखा लग चुका है, इसने बहुत हेल्प करी मेरी पंखा लगाने में, अगर ये ना होता तो मैं अकेला पंखा कैसे लगा पाता। जॉक सपाट, अभी ये पंखा लग चुका है और पंखा लगाते लगाते हम पसीनों पसीन हो चुके हैं। थैंक्स टू आर्यन जो अपनी टूल किट लेके गया वो, क्योंकि हमारे पास तो थी नहीं। और कहाँ जा रहा है कैमरा एंगल? अरे यार, इस कमरे में भी फाइनली पंखा लग गया और अब यहाँ पे ये जो है ये पूरा इस पे अखबार लगाएंगे अब हम, और मैं अपना रूम आज शिफ्ट कर लूँगा यहाँ पे। और ये इस तार का भी देखते हैं क्या करना है, शायद उतार दें हम आज इसे, फिर देखेंगे क्या करते हैं। फिलहाल तो शायद साफ़ सफाई पहले करेंगे हम लोग। ये अभी कपड़े धो के आया है, अपनी जीन्स सुखा रहा है क्योंकि ना मेरे पास जीन्स बची थी पहनने के लिए ना इसके पास बची है, क्योंकि यहाँ पे मतलब लगातार 5-6 दिनों से यहाँ पे बारिश आ ही जा रही है, रुकी नहीं रही, और ना कपड़े सूखने का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे तरह से कुछ ना कुछ करके जीन्स में अखबार डाल के प्रेस से सुखा के करके पहन के जाते हैं जुगाड़ करके, फिर बाद में वो इचिंग होने लग जाती है यार उस जीन्स से, तो सूख जाए यार। मतलब वैसे तो सारा साल यहाँ पे गर्मी रहेगी, अगर एसी में नहीं रह पाओगे तुम बारिश में यहाँ पे, इतना वो है टेम्परेचर, क्योंकि 28 तक चला जाता है ना कई बार लोअर टेम्परेचर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप। अभी मैं रेस्ट वगैरह करके सारा सेटिंग करके उठ चुका हूँ, मैं सो गया था इसीलिए उठ चुका हूँ। आधी अधूरी सेटिंग कर ली है मैंने, ये अपने रूम में आ चुका हूँ मैं, ये मेरे दोस्त का सामान है उधर अलमारी में, दोनों का ही है ये अपना सामान पड़ा, ये रहा अपना सामान और अपना गद्दा आ चुका है इस रूम में, और यहाँ से बढ़िया लाइट वगैरह आती रहती है। अभी उठाऊँ जस्ट अभी 3 घंटे की नींद लेके उठाऊँ मैं, भूख लग रही है यार मेरे को। उठते हैं फिर, सोच तो रहे थे कि आज शाम को पुलाव बनाएंगे, पहले नीचे जाके मैं चाय के लिए दूध लेके आता हूँ क्योंकि चाय पीने की बहुत मन कर रहा है। चल पहले चाय पियेंगे फिर बाद में पुलाव बनना रख देते हैं। और असाइनमेंट भी लिखना है यार, अपना सर अटेंडेंस नहीं देगा, बहुत ज़्यादा बकचोदी हो रखी है इस चीज़ की, तो इन लोगों ने हमारी दुखती नस पकड़ रखी है कि अगर असाइनमेंट नहीं लोगे टाइम पे तो एब्सेंट लगा देंगे तुम्हारी। मेरी ऑलरेडी दो बार लग चुकी है क्योंकि मैं असाइनमेंट देने नहीं जा पाया, तो मेरी एक एब्सेंट लग चुकी, दो बार एब्सेंट लग चुकी है। अब मैं कर ही लेते हैं यार, क्यों फिर बाद में हरकतें करेंगे ये लोग। भाई देखो, हम आए अभी स्टारबक्स में, इसके साथ मयंक हेमंत के साथ, और ये चीनी का पाउच लेने में वीडियो कॉल पे है, और इससे वो बंदे ने पूछा भी था कि शुगर पाउच चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे मेरे को लगा कि वो स्किम्ड मिल्क बोल रहा, क्योंकि मैंने स्किम्ड मिल्क का ऑप्शन ले लिया भाई, अब जाके ले आ, अब ले आना भाई। अगर जाओ तो तुम ब्लॉगर है भाई, तू तो इंट्रोवर्ट भी नहीं है। हम तो इंट्रोवर्ट है, सिरसा का नाम भूल जाएगा भाई। हमने लिया सिरसागी का सामान भाई, हमने लिया आईसार। अबे चुप करना, 2 मिनट
हमने दी है आइस कैफे लाटे, उसमें एक दाना भी चीनी नहीं है और हमारा मुंह रखा है कड़वा, गंदे वाला कड़वा हो चुका है। बोल, चीनी ले गया है, इसमें चीनी भी नहीं है। तुझे तो अच्छी लग रही थी ना, लेकिन बिना चीनी है। अच्छी है वैसे, बेकार नहीं है। अच्छा, इंट्रोवर्ट। पर ऐसे चीनी जाती की बात है हमारे अंदर दोबारा जाने से और चीनी लेके आने से। इंट्रोवर्ट भाई, तू तो साले, तू तो कॉफी भी नहीं लेने गया। हां तो 22 साल सही होगी भाई के। बढ़िया, तेरे को तो जाना चाहिए था ना, लेकिन फिर नहीं जाता भाई, आटी आटी जगह पे। हां हां, स्टारबक्स में जाने से इन लोगों का लेवल कम हो जाएगा, समझ रहे हो? ये इतने बड़े बंदे हैं ना, हम जाते हैं बीएमसी, बड़ौदा म्यूजिकल सेंटर। आ गए गाइस, वो भी व्लॉग में गालियां पड़ी तब जाके लेके आए वो। हाँ, और कुछ? हाँ ठीक है, बोल लिया मैंने। और बोल ना। हाँ क्या बोलूं, और मेरे को कंटेंट दे। नहीं चाहिए, नहीं नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। ये लोग ऐसा कंटेंट देते हैं जो बाद में मेरे को बीप करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट कंटेंट चार्टर की मेरे को, इसको तो क्या ही बोलते हैं, अगर इसका इसका मैंने नाम ले दिया तो फिर मेरे माँ बाप कुछ और बोल देंगे। रहने दो भाई, अभी चीनी आ चुकी है, चीनी मिक्स करते हैं इसमें, फिर ठीक है देखते हैं, क्योंकि तो बहुत कड़वी लग रही है। स्पेशली मेरी बहन को बहुत पसंद आने वाली थी ये कॉफी। इसको व्लॉग में गालियाँ पड़ी है इसलिए लेके आए हैं। देहरादून मैंने उसको जावा चिप फ्रैपेचिनो पिला दी, उसका मूड खराब हो गया, उसको पसंद ही नहीं आई भाई। ये मैंने लिया, ये अगर ये पिएगी तो बहुत मज़ा आएगा भाई। अभी स्टारबक्स से आ गए, फिर डोसा वगैरह खाने चले गए थे हम लोग डेरी डैन पे, और अभी पीयूष भाई साहब की सोसाइटी पे आ रखे हैं, आगे बैठे हैं। थोड़ा बाहर घूमने का मन था, बोर होकर बैठे थे फ्लैट पे सुबह से, साफ सफाइयाँ करके। देखो हम आ गए घर पे, ठीक है। मैं बाइक चला रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ज़्यादा कुछ, और हम हमारी बातें कुछ ऐसी थी रिकॉर्ड नहीं कर सकता था मैं, ठीक है। आते वक्त मयंक को तो पड़ गई गालियाँ घर से कि लेट हो गया, तो मयंक को छोड़ के डायरेक्ट हम लोग घर आ गए। आके फ्रेश वगैरह होके अब जा रहे हैं सोने। संडे का दिन हमारा कुछ ऐसा ही था, हमारा सारा दिन ही साफ सफाइयों में गया, असाइनमेंट में नहीं कर पाया फिर से, और अभी रात के 1 बज रहे हैं, सोने जा रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे उठना है, उठ के फिर दोबारा कॉलेज जाएंगे। कॉलेज जाके देखते हैं कितना असाइनमेंट कर पाते हैं, क्योंकि कल सबमिट करना है। कल भी नहीं सबमिट करा तो फिर कल की भी अपनी एब्सेंट लग जाएगी, वैसे ही अपनी अटेंडेंस कम है थोड़ी, तो देखते हैं अब क्या होता है। चलो फिर सुबह मिलते हैं, सुबह कंटिन्यू करता हूँ इस ब्लॉग को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है मंडे, हमारी क्लास, और बाहर आ रही है बारिश बहुत तेज, ठीक है। और अभी हेमंत भाई साहब अपनी शर्ट प्रेस कर रहे हैं, हम ऐसे ही जा रहे हैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में, वहाँ जाके चेंज कर लेंगे दोस्त के रूम पर जाके, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रास्ते में पानी लगा है पर हमें हमारे दौड़े लग गए। हाँ, क्योंकि हमारे साथ हर बार यही होता है कि जब भी कॉलेज जाना होता है और कॉलेज से आना होता है तब बारिश होती है धुआंधार एकदम तेज, लेकिन जब कॉलेज पहुँच जाते हैं क्लास चल रही होती है तब हो जाती है बारिश बंद। पता नहीं क्या ऐसे हमारी किस्मत में लिखे हैं कि गरीबों को ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ, हम रेनकोट अफोर्ड नहीं कर पा रहे लेना, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, और मंथ स्टार्टिंग में भी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी खर्चा ही बहुत हो चुका है। बिजली का बिल भी आ गया इस बार, और फिर वाईफाई का भी बिल आ रखा है 872 रुपये कुछ, 872 रुपीज़, और बिल अनूप जैन चला लिया सर ने सुबह सुबह ही। ये गाना बढ़िया है, एक नंबर, पता नहीं बीच में कहाँ जाता है साजा। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ मैं हुआ, पता नहीं वो होगा टाइम बारिश है भाई, गाने में भी बारिशें चल रही हैं, हम बारिश से अक चुके, पक चुके हम बारिश से, क्योंकि लगातार बारिश गिर रही है पिछले 5 दिनों से, और आगे 3-4 दिन अभी और बता रखी है लगातार बारिश। और हमारे कॉलेज वाले हैं कि छुट्टी करने में नहीं आ रहे, कि बच्चों की छुट्टी कर दें, हमारी नींद खराब कर दे रहे हैं सुबह सुबह। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में, और अपनी लास्ट क्लास अटेंड करने जा रहे हैं DDS की लैब। ये मेरे को एक सब्सक्राइबर मिली मेरी ग्रीनरी में,
एक लड़की थी भाई, वो मेरा मैंने बोला मिल नहीं सकते, तो फिर दिल पे ले गई यार, तो उसको लगा रूड है, थोड़ा अभी बाद में करते गाइस। अभी हम अपने टीडीएस की लैब में बैठे हैं, हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे को खुद को आवाज़ तो आ रही है। इधर आ रही है दे मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स इज पार्ट सी, डेस्टिनेशन इज पार्ट बी, मूव फ्रॉम सी टू डी, मूव फ्रॉम। इस हस्ती को आप लोगों ने मैसिव ब्लेज के व्लॉग्स में देखा होगा, ये इसको देखिए, वाइड एंगल नहीं है, वाइड एंगल नहीं, अपना इतना ही बहुत है। अगर मेरा फ़ोन पकड़ा गया तो 500 रुपये फाइन है, ठीक है, तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा हूँ रिस्क लेके क्लास में बैठ के, एक कंप्यूटर के पीछे फ़ोन छुपा रखा है मैंने ताकि हम लोग दिखे ना, छुपा तो गया के साथ नहीं पड़ेगा। हाँ हम ऑफलाइन होके भी गूगल मीट पे पढ़ाई कर रहे हैं। गाइस एक सर देख कर गया अभी, कुछ नहीं कर रहा, बस देख रहा था, ये चिल्ला रहा अलग है भाई, नो गाइस हमारी क्लास में दो फेमस हस्तियां हैं, तीन कौन तीसरी, हमारी क्लास में दो फेमस हस्तियां हैं, दोनों सो रही हैं, ठीक है, देखना है दिखाएंगे ले रिस्क पे ले रहे हैं। एक तो तुम्हारी मॉडल है जो तुमने फेमस कर रखी है, तुम्हारी मॉडल अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डबल मीनिंग में बात करनी छोड़ दी अभिषेक ने और मैंने कल से। एक तो मॉडल है और एक व्लॉगर है, व्लॉग तो क्या शॉर्ट वीडियोस डालती है, पर डालती है 7000 रेगुलर रोज डेली शॉर्ट्स पे, और एक हमारा व्लॉगर है जो 7 दिन में एक बार डाल नहीं पाता। आपको कमेंट उसमें कमेंट डिस्क्रिप्शन आईडी वगैरह कुछ नहीं देने वाला मैं दिखा दूंगा कौन है, पर आईडी वगैरह नहीं देने वाला, गूगल लेंस में सर्च कर लो अगर मिलती है तो गूगल लेंस में सर्च कर लो। मेरे को मालूम नहीं है कि अपनी आवाज़ जा भी रही है कि नहीं जा रही, पर आवाज़ तो जा रही होगी, माइक लेके आया होता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। कल से लेके आएंगे गाइस आपके लिए, बस 2 लाख सब्सक्राइबर कर दो। भाई देखो 5000 सब्सक्राइबर करवा दो, पारुल में मिलेंगे सारे, ठीक है, मीटअप रखेंगे क्योंकि भाई जितने भी मेरे को आज तक बोले ना लोगों ने भाई मिल लो, मैंने एक दो लोगों को जवाब भी दिया कि भाई मैं नहीं मिल सकता। अभी आज जो लड़की ने बोला ना गाइस वो सीधे यहाँ पे आएगी भाई के। मेरे को नहीं मालूम था कि रूड लगेगा ये चीज़ कि क्या करना है मिलके हमसे, ठीक है, मैं ये ऐसे रखता हूँ कि यार मैं अभी तक वो नहीं हुआ जिससे तुम स्पेशल मिलने आओ, ठीक है, रास्ते में आता जाते मिल गया, ठीक है, हाय हेलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ऐसे चिल्लाना गाइस अभिषेक कब का रिश्ता है तो वो सुनेगा, पर लेकिन ऐसे स्पेशल नहीं हुआ, स्पेशल बुलाओगे तो भी चलेगा, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता पानी का सब गाइस इसके लिए, क्योंकि ये मैं भी आऊँगा ऑब्वियसली बात, हाँ ये देखो उसने भी हाँ बोला। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं हम लोग, 300 रहे ब्रेक मांगने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सर ब्रेक देते हैं तो हम ब्लॉग बनाएंगे और तुम्हें दिखाएंगे कौन महान हस्तियां सो रही हैं क्लास में, दो अब से लैब में ऐसे ही रख के ब्लॉग बनाऊंगा मैं, अगर बस आप मोनेटाइज कर दो चैनल फाइन भी भर दें, हाँ फाइन भरने के पैसे भी आ जाएंगे हमारे पास थोड़े बहुत, एक बार चैनल मोनेटाइज करवा दो, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दिया करो यार, ठोको लाइक ठोको, हाँ वही तो बोला ठोको लाइक ना, हाँ ये देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं गाइस, पढ़ रहे हैं ऑफलाइन होके भी हम गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं, सर सामने बैठा है और ये रहे सामने पीछे नहीं साइड में, ये रही तुम्हारी महान हस्तियाँ, ये खुशी मेर मॉडल वो जाग गई ब्लॉगर।
इंस्टाग्राम पर जाके सर्च कर देना गाइस, अगर तुम्हें आईडी वगैरह चाहिए होगी तो मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी फॉलोइंग में तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ मैं भी मिलूँगा। और बाकी तुम मेहनत इतनी कर लो, अगर तुमने सही आईडी ढूंढ ली बढ़िया है, जहाँ रात में मजे ही है। आई लैब मैनुअल पे चर्चा चल रही थी अभी, नहीं ठीक है अभी। तो गाइस सीन क्या हुआ, लड़की का नाम पता नहीं, मैंने क्लास में चिल्लाया एक्सक्यूज मी, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, देख रहे हैं लिस्ट लिख के बना रहे, समझा। तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तुम्हारे लिए इतना रिस्क हो कि देखते नहीं हो, इतना रिस्क लेके हम तुम्हारे लिए कंटेंट लाते क्यों ना प्रभु, वीडियो बनाते हैं करना कर 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 चल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर। सुप्रभात दोस्तों, तो कैसे आप सब? तो हमारे साथ पहले तो आपको मिलवाते हैं हमारी नए दोस्त। नहीं मेरे पास में लड़कियां नहीं हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है मजा नहीं आया। जो लोग बोलते हैं कि भाई तू ब्लॉग में लड़कियां नहीं लेके आता, तुम लोग ये सुन लो, मेरे ब्लॉग में लड़कियां आएंगी कि नहीं, लौंडे पारू को देखेंगे, लौंडे इसी में से तो आते हैं और किससे। हम सीधा साधा और शुद्ध कंटेंट लाके रीच लाएंगे अपने चैनल पे। नहीं हम अपने चैनल पे शुद्ध सीधे साधे बन के नहीं है भाई, नहीं है सख्त लौटा था। जो इसके ब्लॉग देखते हैं ना, वो ज़रा एक बार मेरे कमेंट में जाके बता दो कि ये आप किस किस को लगता है कि ये सख्त लौटा है, और अगर जिनको लगता है तुम्हारी गलत फहमी है बहुत बड़ी वाली, ठीक है।